ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आप सभी को महाभारत ग्रंथ के बारे में जानकारी देने वाले हैं। हम अपने पिछले वीडियो में आप सभी को वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस ग्रंथ के बारे में बता चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के बारे में। दोस्तों महाभारत हिंदुओं का प्रमुख काव्य ग्रंथ है, जो हिंदू धर्म के उन धर्म ग्रंथों का समूह है जिसकी मान्यता श्रुति से नीची श्रेणी की है और जो मानवों के द्वारा उत्पन्न थे। कभी कभी सिर्फ भारत कहा जाने वाला यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक पौराणिक ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। यह हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है। हालांकि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। दोस्तों यह कृति हिंदुओं के इतिहास की एक गाथा है। पूरे महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। विद्वानों में महाभारत काल को लेकर विभिन्न मत हैं, फिर भी अधिकतर विद्वान महाभारत काल को लौह युग से जोड़ते हैं। अनुमान किया जाता है फ्रेंड्स कि महाभारत में वर्णित कुरु वंश 1200 से 800 ईसा पूर्व के दौरान शक्ति में रहा होगा। पौराणिक मान्यता को देखें तो पता लगता है कि अर्जुन के पोते राजा परीक्षित और महापदनंद का काल 382 ईसा पूर्व ठहरता है। और अब बात करते हैं महाभारत महाकाव्य के लेखन के बारे में। दोस्तों महाभारत में इस प्रकार का उल्लेख आया है कि महर्षि वेद व्यास ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्या में संलग्न तथा ध्यान योग में स्थिर होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली थी। परंतु इसके पश्चात उनके सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हुई कि इस महाकाव्य के ज्ञान को सामान्य जन साधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण यह बहुत कठिन कार्य था कि कोई इसे बिना किसी त्रुटि के वैसा ही लिख दे जैसा कि वे बोलते जाएं। इसलिए ब्रह्मा के कहने पर वेद व्यास भगवान गणेश के पास पहुँचे। दोस्तों महर्षि वेद व्यास का प्रस्ताव मानते हुए भगवान गणेश यह ग्रंथ लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने इसे लिखने से पहले एक शर्त रख दी कि वह कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। महर्षि वेद व्यास जी जानते थे कि यह शर्त बहुत कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है, अतः उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश को उसका अर्थ समझना होगा। गणेश ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह महर्षि वेद व्यास बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों की रचना कर देते। जब भगवान गणेश उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते उतने समय में ही व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते। इस प्रकार संपूर्ण महाभारत 3 वर्षों के अंतराल में लिखी गई। दोस्तों वेद व्यास ने सर्वप्रथम पुण्य कर्मा मानवों के उपाख्यानों सहित 1,00,000 श्लोकों का आध भारत ग्रंथ बनाया। तदंतर उपाख्यानों को छोड़कर 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई। तत्पश्चात व्यास जी ने 60,00,000 श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई, जिसके 30,00,000 श्लोक देवलोक में, 15,00,000 पितृलोक में तथा 14,00,000 श्लोक गंधर्व लोक में समाहित हुए। दोस्तों मनुष्य लोक में 1,00,000 श्लोकों का आध भारत प्रतिष्ठित हुआ। महाभारत ग्रंथ की रचना पूर्ण करने के बाद वेद व्यास ने सर्वप्रथम अपने पुत्र सुखदेव को इस ग्रंथ का अध्ययन कराया। और दोस्तों अब बात करते हैं महाभारत ग्रंथ की विभिन्न नामों के बारे में। दोस्तों यह महाकाव्य जय भारत और महाभारत इन तीनों नामों से प्रसिद्ध है। वास्तव में वेद व्यास जी ने सबसे पहले 1,00,000 श्लोकों के परिमाण के भरत नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें उन्होंने भारत वंशियों के चरित्रों के साथ साथ अन्य कई महान ऋषियों, चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों सहित कई अन्य धार्मिक उपाख्यान भी डाले। इसके बाद व्यास जी ने 24,000 श्लोकों का बिना किसी अन्य ऋषियों, चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों का केवल भारत वंशियों को केंद्रित करके भारत काव्य बनाया। इन दोनों रचनाओं में धर्म की अधर्म पर विजय होने के कारण इन्हें जय भी कहा जाने लगा। महाभारत में एक कथा आती है कि जब देवताओं ने तराजू के एक पासे में चारों वेदों को रखा और दूसरे पर भारत ग्रंथ को रखा तो भारत ग्रंथ सभी वेदों की तुलना में सबसे अधिक भारी सिद्ध हुआ। अतः भारत ग्रंथ की इस महत्ता को देखकर देवताओं और ऋषियों ने इसे महाभारत नाम दिया और इस कथा के कारण मनुष्यों में भी यह काव्य महाभारत के नाम से सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। और अंत में बात करते हैं
हैं महाभारत के पर्व के बारे में। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ की मूल अभिकल्पना में 18 की संख्या का विशिष्ट योग है। कौरव और पांडव पक्षों के मध्य हुए युद्ध की अवधि 18 दिन की थी। दोनों पक्षों की सेनाओं की सम्मिलित संख्या बल भी 18 अक्षयणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 ही थे। महाभारत की प्रबंध योजना में संपूर्ण ग्रंथ को 18 पर्वों में विभक्त किया गया है और महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत वर्णित श्रीमद् भगवत गीता में भी 18 अध्याय ही हैं। दोस्तों, संपूर्ण महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। पर्व का मूलार्थ है गांठ या जोड़। पूर्व कथा को उत्तरवर्ती कथा से जोड़ने के कारण महाभारत के विभाजन का यह नामकरण यथार्थ है। इन पर्वों का नामकरण उस कथानाक के महत्वपूर्ण पात्र या घटना के आधार पर किया जाता है। मुख्य पर्वों में प्रायः अन्य कई पर्व हैं। इन पर्वों का पुनः विभाजन अध्यायों में किया गया है। पर्वों और अध्यायों का आकार आसमान है। कई पर्व बहुत बड़े हैं और कई पर्व बहुत छोटे हैं। अध्यायों में भी श्लोकों की संख्या अनियत है। किन्हीं अध्यायों में 50 से भी कम श्लोक हैं और किन्हीं किन्हीं में यह संख्या 200 से भी अधिक है। मुख्य रूप से महाभारत में 18 पर्व हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।